आदर सेवा जो है, मैं भी संभर मरकाम इस कोयतूर जन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे कोयतूर जन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को मेरे ओर से सादर सेवा जोहार, क्रांतिकारी जयलंग के। आइए साथियों, आज मैं इस कोयतूर जन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के द्वारा हमारी चैनल में पूछे गए कमेंट्स को और पूछे गए सवालों का प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूँ मैं। जैसे आज हमारे लोग कहते हैं कि नारायण देव कौन है, नारायण देव क्या है, जिसे हमारे आज समाज हम मानते आए हैं, तो इस नारायण देव के बारे में मैं आप लोगों के सामने में एक तथ्य रखना चाहता हूँ, विचार रखना चाहता हूँ, वास्तविकता में नारायण देव क्या है। एक तो हम कहते हैं कि आदिवासी समाज, हमारे मूल निवासी समाज, हम देव संस्कृति को, देव को पूजने वाले नहीं हैं, हम पेन को मानने वाले हैं, शक्ति के पुजारी हैं, प्रकृति को मानने वाले हैं, मूर्ति की पूजा करने वाले नहीं हैं कहते हैं। और दूसरी ओर हमारी जो देव व्यवस्था है, जैसे एक देव टोटमधारी, दो देव नारायण देव, दुल्हा देव, बूढ़ा देव, इन सभी के बारे में हमको आज जानना चाहिए कि वास्तविकता में हमारे पूर्वज लोग इस जो रूढ़ी परंपरा है उसको किस प्रकार से फॉलो करते आए हैं, किस प्रकार से अनुपालन करते आए हैं। तो इसी प्रश्न को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि नारायण देव कौन है, नारायण देव की पूजा करने की प्रारंभ, नारायण देव की जो मानने की प्रारंभ हमारे समाज में कहाँ से हुआ और किसने किया। साथियों, पहले तो आप लोगों को जानना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि नारायण देव के बारे में, नारायण देव के बारे में अगर हमको जानना है तो नारायण देव की जो व्यवस्था जो किया जाता है, पूजा गोंगों किया जाता है, पद्धति किया जाए, जिसे हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काज पुसाई, गुसाई पुसाई, पीढ़ी पुजाई या फिर लाड़ो सूर्यों की काज, इस प्रकार से अनेक नाम से जाना जाता है, भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। तो जब काज पुजाई किया जाता है तो जो नारायण देव की जो विधि होता है, उनकी जो सिस्टम होता है पूजा करने की सिस्टम, उससे ये पता चलता है कि हम कोई व्यक्ति की पुजारी नहीं है, नारायण देव एक प्रकृति की शक्ति है और उसी शक्ति को हम पूजा करने वाले हैं, शक्ति को मतलब गोंगो करने वाले हैं, मानने वाले लोग हैं। अब रही बात नारायण देव की बात, तो जिस प्रकार से हमारी व्यवस्था बनी है, सामाजिक व्यवस्था बनी है, हमारी शारीरिक व्यवस्था बनी हुई है, हमें हमारा जीवन चक्र बना हुआ है, तो उसी जीवन चक्र को हम एक शक्ति के रूप में पूजने वाले हैं। जैसे बालक हैं हमारे, जो संतान है, वो बच्चा है, तो उसको हम नारायण देव के रूप में, नारायण के रूप में बालक को नारायण कहा जाता है। उसके बाद युवा हो गया तो उसको दूल्हा देव में रूपांतरित, फिर बुजुर्ग हो गया उसको बूढ़ा देव में, यानी ये सिस्टम बना हुआ है और इसी सिस्टम का एक व्यवस्था बनी हुई है कि एक चरण से दूसरे चरण में जाने के पहले जो दस्तूर किया जाता है, उसी दस्तूर को हम दूल्हा देव की गोंगो, नारायण देव की गोंगो, बूढ़ा देव की गोंगो, इस प्रकार से कहा जाता है, जिसमें अनेकों प्रकार के हमारी देव होते हैं। आज हम कहते हैं जरूर कि नारायण देव तीन देव, कमर काम का चार देव, नेताम का छः देव, सिदैया का पाँच देव, पुडेटी का सात देव, मरावी का, ऐसे कह के, लेकिन आज हम देखते हैं हमारे घर में जो मानता है, जो जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जीवा भाव देते हैं, जिस पेन को, वह जीवा भाव तीन देव मरकाम कहते, तीन ही देव नहीं रहते उनके घर में, जीवा भाव वो चार पांच जीवा भाव देते हैं, या फिर और चार देव नेताम कहते तो चार ही मतलब देव को, पेन शक्ति को जीवा भाव नहीं देते उनके घर और देते। मैं छदैया हूँ तो छदैया का छः ही नहीं होता, छः के अलावा और देते हैं घर में जो जीवा भाव देते हैं उसको। तो हमको ये जानना चाहिए कि देव व्यवस्था में, जो पेन व्यवस्था में, जो आज जो जिसको हम मानते हैं और जिस टोटमधारी हैं, जिसका गुणधारी हैं, वह क्या है, उसको हम किस आधार पर मानते हैं, तो हमको इसके पीछे में जाना है। साथियों, नारायण देव के लिए हम एक ही उत्तर है आपके, जैसे हमारे बालक हुए, बच्चा हुए, उसको हम नारायण के रूप में, अन्य नारबोध के रूप में, नारायण के रूप में मानते हैं, बालक के रूप में उसको मानते हैं, उसको सशक्त बनाने की जो क्रिया होती है वही को नारायण कहा जाता है। साथियों, और जब उसको नारायण को जब दूल्हा देव में रूपांतरित किया जाता है, यानी विवाह किया जाता है, जो नारायण देव के यानी वह युवा हो जाते हैं तो उसको दूल्हा देव में रूपांतरित किया जाता है, यानी जिस प्रकार से वेन को पेन बनाया जाता है, उसी प्रकार से जो वेनों की जो व्यवस्था है, वेन की जो जो पेन और वेन की जो शक्ति है, उसको आपस में मिलाने की क्रिया को ही नारायण देव की क्रिया, काज पुसाई की क्रिया कहा जाता है। साथियों, और इसलिए हमको इसके बारे में ज़्यादा कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मानने के हिसाब से अगर आपको चिंतन करना है, इसके बारे में तह तक जाना है, तो आप उस सिस्टम को
देखिए और विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, जिस सिस्टम से हम अपने जो गोसाई पुसाई का काज करते हैं, गोसाई पुसाई का काज करते हैं तो फुढ़ेड़ा लगाते हैं, फुढ़ेड़ा वो भी घर के माई घर में, उसके बाद डेहरी में नारायण देव को जो पहारा जाता है, यानी जिस प्रकार से पूरा गर्भाशय से जब बच्चा जन्म लेता है उसी जो व्यवस्था की जो एक रूपांतरण, यानी उसको मतलब रूपांतरण करके इस प्रकार से जो सिस्टम व्यवस्था को बनाया जाता है, और उस व्यवस्था को बनाने में जो बनता है यानी प्रकृति को ये कहते हैं हम कि आपके द्वारा दिया हुआ संतान आज हमारे समाज में सम्मिलित हो रहा है, और उसको हम वह हमारे समाज में सशक्त रूप से गुणवान हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, और किसी प्रकार से उसके अंदर में कोई बुराई ना हो, इस प्रकार से हम पेन को जो मानते हैं, और नारायण देव अर्थात नारायण देव लाड़ो सूर्या अर्थात निगेटिव पॉजिटिव सूर्य चंद्रमा की पूजा पूर्वा और नलेंज की पूजा है, जिसे लाड़ो सूर्या भी कहा जाता है, जिसे गुसाई पुसाई भी कहा जाता है, जिसको नलेंज पूर्वा भी कहा जाता है, और जिसको नारायण देव और सूर्या कहा जाता है। साथियों इस प्रकार से जो हम इस व्यवस्था को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, यानी चांद सूरज की पूजा हम इसे गुसाई पुसाई में चांद सूर्य की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि अगर चांद सूरज नहीं रहेगा तो यह भूमंडल अंधकार हो जाएगा, इसलिए हम इस चांद और सूरज की गोंगो करते हैं, और उसी गोंगो को नारायण देव कहा जाता है, और नारायण देव इसलिए कहा जाता है, और नारायण देव को सिद्ध यानी एक सुमेध वर्ची अर्थात प्रकाशवान कहा जाता है, क्योंकि वह रोशनी सूर्य रोशनी देता है, सूर्य प्रकाश देता है, और उसको सत्य सुमोध वर्ची यानी सत्य ज्ञान प्रकाश के, जब हमारे बच्चा छोटा रहता है तो उसके अंदर में ज्ञान आए, गुणवान हो, ज्ञानी हो, ऐसे काम भावना रखते हुए, ऐसे इच्छा शक्ति रखते हुए हम इस पूर्वा नलिंज की गोंगो करते हैं, यानी लिंगो और जंगो की गोंगो करते हैं, नारायण देव गोसाई पुसाई सूर्या लाड़ो सूर्या की गोंगो करते हैं, तो इस प्रकार से इस लाड़ो सूर्यो का गोंगो की व्यवस्था बनी हुई साथियों, ताकि हमारे समाज अंधकार में ना हो, हमारे समाज अंधकार में न भटके, और ज्ञानी बने, ध्यानी बने, और औरों को ज्ञान दे, इस उद्देश्य से हम अपने इस लाड़ो सूर्यों का पूजा करते हैं, नारायण देव की पूजा करते हैं, और नारायण देव और कोई नहीं, चांद सूरज ही है, लिंगो जंगो ही नारायण देव है, वही गुसाई है, क्योंकि जिस चांद सूरज को मानते हैं तो वही इसी को हम जिस प्रकार से नारबोध की व्यवस्था बनी है, माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो उसको किस प्रकार से हम अपने समाज को समझाएं, तो फुढ़ेड़ा को बांधते हैं, किस रूप में फुढ़ेड़ा को, वो उसके जो माँ की जो आंवर बोलते हैं यानी नार बोलते हैं, और नार के रूप में फुढ़ेड़ा को बांधते हैं, और उसका जन्म कहाँ से होता है, माँ की जो गर्भ की द्वार से होता है, तो उस प्रकार से डेहरी से होता है नारायण देव का जन्म, तो उस प्रकार से डेहरी में ही नारायण देव की मतलब गोंगो किया जाता है, पहारा जाता है, और उसके जो जो जीव देते हैं उसको काटा नहीं जाता, उसको पहारा जाता है रुदन करके, मतलब जिस प्रकार से माँ बच्चे को जन्म देता है तो रोने की आवाज़ या फिर और कुछ गलत शब्द का उपयोग किया जाता है उसके शरीर में ताप पहुँचाने के लिए, तो उस पूरे सिस्टम को हमारे इस गोंगो में दर्शाया जाता है, और लोगों को बताया जाता है कि माँ की गर्भ से बच्चा कैसे जन्म लेते हैं, और उस बच्चा का जन्म लेने के बाद किस रूप में उसको मानेंगे समाज, तो उसको पेन के रूप में मानते हैं, तो पेन यानी वेन के रूप में मानते हैं, नारायण देव के रूप में मानते हैं, और उसकी पूजा हमारे समाज निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं, क्योंकि एक पीढ़ी बाप बेटा नाती यानी तीन वंश का एक पीढ़ी होता है, और एक पीढ़ी में यह गुसाई पुसाई के कार्य पीढ़ी में ही एक बार होता है साथियों, तो इस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई है जिसको हमारे समाज आदि अंत से रूढ़ी प्रथा परंपरा के अनुसार आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करते आए हैं, और उसको हमारे समाज मानते आए हैं, इसके बारे में हमारे बुद्धिजीवी लोगों को, पढ़े लिखे भाइयों को वहां जा करके सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि हमारे पूर्वज लोग किस आधार पर करते हैं, और हम उसके बारे में कुछ प्रकार से रिसर्च किए ही नहीं हैं, उसके बारे में हम कुछ जाने ही नहीं हैं, क्या है कैसे है, और बातों बात में अगर हम उसको जाने तो ये नहीं होता, क्योंकि हम अगर सही उसके बारे में जानकारी हासिल करना है तो हमको प्रयोग करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना है, तो वहाँ जा करके हमको देखना चाहिए, अपने बुजुर्गों को वहाँ जा करके पूछना चाहिए, तब हम उसके बारे में वास्तविकता को समझेंगे कि वास्तविकता में क्या है,
और बुजुर्गों को पूछिए, आप देखिए अपनी आंखों से, कान से सुनिए, और उसके बाद चार लोगों से पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि यह गुसाई पुसाई कहाँ पे आधारित है और किस चीज पे आधारित है। प्रकृति पे आधारित है कि मूर्ति पूजा पे आधारित है कि और कहाँ पे आधारित है कि कोई वेद शास्त्र पे आधारित है। इसके बारे में आपको तभी जानकारी होगा जब वहाँ आप जा करके प्रैक्टिकल करेंगे। और मैं तमाम युवा साथियों को या तमाम हमारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि वह इस बारे में जानना है, उनको ज़्यादा जानकारी लेना है, तो जहाँ भी गुसाई पुसाई का काज होता है वहाँ जा करके वह प्रैक्टिकल करे, अनुभव करे, देखे, प्रयोग करे, उसके बाद वह अपने दिमाग से रिसर्च करे, तब उनको पता चलेगा कि यह गुसाई पुसाई क्या है। साथियों, इतना कह करके मैं आप सभी को सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश।